हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमिता। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं मनाने जा रही हूं मास्टर बेडरूम का टूर। तो फ्रेंड्स, बहुत दिनों से सबका डिमांड था कि मैं मास्टर बेडरूम का टूर बना के पोस्ट करूं, तो आज मुझे टाइम मिला तो मैंने आज मास्टर बेडरूम का टूर बना दिया है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जैसे ही मास्टर बेडरूम में एंटर करेंगे तो आपको कुछ ऐसे दिखेगा। सबसे पहले मेरा ये जो आपको बेड दिखेगा, ये स्टोरेज वाला बेड है फ्रेंड्स। इसमें बहुत सारा सामान जो आ जाता है, स्टोर हो जाता है, जो जो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, तो इस वाले बॉक्स में मैंने बेड के अंदर डाल के रखा हुआ है। और देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ही कुछ दिखेगा। ये ऊपर आप देख सकते हैं, ये स्टोर करने के लिए ये लॉक हमने बनवाया है। ये इसमें बहुत सारा सामान आ जाता है। ये दोनों साइड भी आप देख सकते हैं, ऐसे हमने लॉक बनवाया हुआ है। इसमें भी बहुत सारा सामान आ जाता है। ऊपर वाले में मैंने अपने हस्बैंड के सारे टॉवल्स रखा हुआ है। और यहाँ कुछ ये पूजा का ये कुर्ता पैजामा है, और ये कुछ टी शर्ट्स वगैरह हैं। और ये इसमें ये थर्ड वाले सेल्फ में मैंने खाली डेली यूज़ के जीन्स उनके रखे हैं। और फ्रेंड्स, ये जो नीचे वाला जो आप सेल्फ देख सकते हैं, ये ट्रॉली बैग रखने के लिए स्पेशली हमने बनवाया हुआ है। पहले जो ट्रॉली बैग था उसको रखने में बहुत दिक्कत होती थी, इसलिए हमने अलग से ट्रॉली बैग रखने के लिए ये बनवाया हुआ है। ये आप ये हो गया एक साइड का लॉक। ये आप दूसरे साइड भी देख सकते हैं, जो सेम कलर सेम डिज़ाइन में बना हुआ है। ये तो आपने देखा है, ये बेड है। ये दो अलमारी भी हमने ऐसे रखा हुआ है, जिसमें मेरे हस्बैंड के सारे कपड़े हैं इसमें। और ये बेड के पीछे ये बहुत बड़ा विंडो है, बहुत अच्छी हवा आती है, बहुत अच्छी रोशनी आती है, व्यू भी पीछे का बहुत अच्छा है। और ये दूसरी तरफ का ये लॉक देखिए, ये हमने बनवाया हुआ है। इसमें भी मैंने अपने हस्बैंड के सारे जींस ऊपर रखा हुआ है, और सेकंड वाले सेल्फ में डेली यूज़ के टी शर्ट्स रखा हुआ है। और नीचे वाला जो सेल्फ है उसमें मैंने देखिए उनके कुछ एक ट्रे में उनके अंडर गारमेंट्स रखा हुआ है, जो उनको ढूंढने में दिक्कत ना हो। हैंकी, बनियान और अंडर गारमेंट्स ऐसे सब रखा हुआ है एक ट्रे में। और दूसरे ट्रे में उनकी घड़ियाँ, पेन ड्राइव्स, कैमरा और उनके ज़रूरत की चीज़ें, ये तीसरे वाले सेल्फ में रखा हुआ है मैंने। ऐसा सब कुछ मैंने ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। और एक जो दो दो ट्रॉली बैग था, तो दोनों साइड हमने ऐसे दो लॉक बनवा लिया है, जो अभी प्रॉब्लम नहीं होता है, बाहर रखने में दिक्कत नहीं होती है। ये ट्रॉली अंदर रखा हुआ है ऐसे। और ये दो अलमारी जो मैंने आपको दिखाया था फ्रेंड्स, एक का अलमारी में तो मेरे हस्बैंड के सारे कपड़े आ गए हैं, फॉर्मल शर्ट से देखिए। और ये एक ट्रे रखा हुआ है मैंने, जो जिसमें कुछ उनके इम्पोर्टेंट पेपर्स वगैरह हैं। और ये सेकंड वाले सेल्फ में आप देख सकते हैं, इसमें मैंने सब शॉर्ट्स वगैरह रखा हुआ है, डेली यूज के शॉर्ट्स हैं। और एक तरफ मैंने उनके कुछ जैकेट वगैरह रखा हुआ है और बेडशीट से। और नीचे वाले सेल्फ में मैंने ऐसे सब फाइल्स वगैरह ऐसे ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। और दूसरी वाली अलमारी जो है उसमें मैंने खाली उनके टी शर्ट्स रखा हुआ है, देखिए ये सब टी शर्ट्स ही है उनके। ये मेरे हस्बैंड के सारे टी शर्ट्स, अलग अलग टी शर्ट्स है, जो पार्टी वगैरह में और कहीं बाहर जाते हैं तो पहन के जाते हैं। और सेकंड वाले सेल्फ में ऐसे ही बैग वगैरह रखा हुआ है मेरा ही है।
थर्ड वाले में भी कुछ बेडशीट्स वगैरह ऐसे रखा हुआ है, सजा के ऑर्गेनाइज करके हैं। और ये एक ड्रॉ है, इसमें दिया है तो इसमें कुछ मेरे इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं रखती हूँ। और फ्रेंड्स, और मैंने एक प्लास्टिक हुक यहाँ लगा रखा है जिसमें मैंने हस्बैंड का कैप टांग रखा है। और प्लास्टिक हुक ऐसे लगा के रखो तो कुछ भी टांगने में आसानी होती है। और आपको जैसे मैंने दिखाया है कि एक तरफ लॉक, ये दूसरे तरफ उसके ऑपोजिट साइड का है। इसमें भी बहुत सारा सामान आ गया है, ये देख सकते हैं। और ये प्लेन दीवार था तो हमने इसमें वॉलपेपर ऐसे चिपका के रखा हुआ है जो देखने में अच्छा लगता है। ये देखिए, एक बार फिर से मैं दिखा देती हूँ, मास्टर बेडरूम कुछ ऐसे है। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ मास्टर बेडरूम का टॉयलेट। ये है मास्टर बेडरूम का टॉयलेट है। ये ऐसे गीजर लगा हुआ है टॉयलेट में। और ये एक बॉक्स है जिसमें मैंने सारा सामान, सोप वगैरह रखा हुआ है। ऊपर दो ऑर्गेनाइजर रखा है जिसमें डेली यूज के शैम्पू जेल वगैरह है। ये मास्टर बेडरूम का टॉयलेट है, कुछ मैंने ऐसे ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। और एक बॉक्स भी मास्टर बेडरूम के टॉयलेट में बनवा रखा है ताकि हार्पिक और फिनाइल वगैरह इसके अंदर आ जाए। यहाँ ये बहुत बड़ा बॉक्स है, बहुत स्पेस है इसमें। और मैंने सारा सामान इसमें रखा हुआ है, जो सामान जब ज़रूरत पड़ती है वो निकाल के यूज करती हूँ, फिर उसमें मैं रख देती हूँ। ये हो गया मास्टर बेडरूम का टॉयलेट। तो फ्रेंड्स, बहुत दिनों से सोच रही थी मास्टर बेडरूम का टूर बनाऊं, तो आज मैंने बना दिया मास्टर बेडरूम का टूर और आपको दिखा दिया है मेरा मास्टर बेडरूम कैसा है और मैंने कैसे सब कुछ ऑर्गेनाइज करके रखा है। और मैंने अपने हस्बैंड के सारे चीज़ों को कैसे ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है, जैसे उनको टाइम पर सब कुछ आराम से मिल जाए, ढूंढने में दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही ऑर्गेनाइज करके रखिए सारे चीज़ों को। फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फिर मैं आपको मास्टर बेडरूम का बाहर का स्पेस भी दिखा देती हूँ। मास्टर बेडरूम से जैसे बाहर निकलेंगे तो आपको कुछ बाहर कुछ ऐसे दिखेगा। ये बाहर ऐसे एक वॉश बेसिन है, जैसे कोई बाहर से आता है तो वो यहाँ अपना मतलब जो भी फ्रेश हो सकता है इधर। और इसके अंदर भी जो यूज़ करने के लिए मैंने सामान रख दिया है, जैसे कोई बाहर से आता है तो वो यूज कर सकता है चीज़ों को। देखिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये है मेरा मास्टर बेडरूम टूर। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।